नमस्कार मित्रों, ज्ञानी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की एक ज्ञानवर्धक वीडियो। मित्रों, ज्ञान कैसा भी हो लेकिन अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, आज के इस चाणक्य नीति वीडियो में पत्नी के अंगों पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर पत्नी के अंगों से ये शुभ संकेत मिलते हैं तो समझ जाना आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मित्रों, ऐसी पत्नियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं, इसलिए अगर पत्नी के अंगों से ये शुभ संकेत मिले तो समझ जाना आप करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, क्या है वो शुभ संकेत, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। आप चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं किसी भी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती, और इसलिए स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मित्रों, जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में बहू बनकर आए वो अपने पति और अपने परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्त्रियों के अंगों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ संकेत बता रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए भाग्यशाली है अथवा नहीं है। पहला संकेत, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने, तलबे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी, उंगलियां सुंदर दिखाई देती हैं, उसके पति को भाग्य का साथ मिलता है और वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। दूसरा संकेत, दोस्तों, जिस स्त्री के पैर के तलबों पर पसीना नहीं आता, तलबे बहुत कोमल होते हैं, वह किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है। दोस्तों, ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। तीसरा संकेत, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वह भाग्यशाली मानी जाती है। मित्रों, चौथा संकेत, सुंदर एक समान और कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं, ऐसी स्त्री पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती है। पांचवा संकेत, दोस्तों, जिस स्त्री के बाल चिकने, गुंघराले, सुंदर और चमकदार व स्वस्थ भी दिखते हैं, वह हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त करती है। छठा संकेत, जिस स्त्री की हथेलियों के पास मणिबंध सुंदर और भरे हुए दिखाई देते हैं, वह किस्मत वाली होती है। सातवां संकेत, दोस्तों, स्त्रियों की हथेलियों में कई राज छुपे होते हैं, जैसे कि अगर किसी स्त्री की हथेलियों में मणिबंध से निकलकर रेखाएं मिडिल फिंगर तक जा रही हैं तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है, और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और ना ही उसके पति के जीवन में धन की कमी रहती है। आठवां और अंतिम संकेत, मित्रों, अगर किसी पुरुष की पत्नी की हथेलियाँ कमल की तरह लाल होती हैं, कोमल होती हैं और हथेलियों में शुभ रेखाएं होती हैं, तो ऐसा पति भाग्य का धनी होता है और उसकी ऐसी पत्नी अपने घर परिवार का जीवन खुशियों से भर देती है। तो मित्रों, पत्नी के अंगों से मिलने वाले यही वो शुभ संकेत हैं जो किसी पति के भाग्य का उदय करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मित्रों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में आने वाली घंटी का आइकन भी दबा दें, ताकि हर रोज़ आप नए वीडियो आसानी से देख सकें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।